भी आप सबको सुनने में आ रहा होगा कि 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच जिन युवाओं की उम्र है वो अग्निवीर की जो है उस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसके बारे में हमें अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए मैं आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेके चले जाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट ने अभी एक प्रस्ताव पास किया है अग्निपथ स्कीम के तहत, जो कि आर्मर्ड फोर्सेस के लिए सर्विसेज देंगे अग्निवीर। इसमें ये सर्विस दे सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच, और जो ये सर्विस रहेगी इसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा है और इसमें अभी जो रिक्रूटमेंट है वो 46,000 जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट है वो इस साल होने वाली है। इसमें आपको किस तरह अप्लाई करना है और ये सब कुछ हम आपको आगे पूरे इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपको अपने वर्ड फाइल में लेकर चले जाता हूँ, यहाँ पे हमने ये बनाया है पूरी डिटेल। अब देखिए, इसके लिए अग्निपथ जॉब रिक्रूटमेंट के लिए बड़ी सारी वैकेंसीज होंगी। जैसे इस साल के लिए इन्होंने 46,000 वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ने करनी है। अग्निपथ की जो सैलरी होगी वो भी उसके ऊपर बात करेंगे। जो पहले साल की सैलरी होगी वो बनेगी 4.76 लाख, ये एक साल की सैलरी होगी। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी हर साल, और ये जो लास्ट होगा जो 4 साल की लास्ट वाली सैलरी बनेगी वो बनेगी 4.92 लाख। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, इन्होंने अग्निपथ इस पैकेज को मंजूरी दे दी है और हमारे जितने भी युवा हैं देश के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए देशभक्ति दिखाना चाहता है, वो अग्निवीर में अपने आप को सेवा देने में अब समर्थ होगा। अब मैं आपको इसकी पूरी सैलरी के बारे में बताऊंगा। सैलरी फर्स्ट मंथ कितनी मिलेगी, हमें हाथ में सैलरी कितनी मिलेगी। अब देखिए, जैसे सैलरी अब अग्निवीर की सैलरी है 40,000 रुपया पर मंथ, बट ये आपको 40,000 पर मंथ आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। इसकी सैलरी जो आपको मिलेगी वो इन हैंड आपको मिलेगी 30,000, ये आपको मैं बता दूँ। फर्स्ट ईयर की जो आपकी सैलरी रहेगी आप देख सकते हैं वो 30,000 आपको, जैसे आपकी 30,000 सैलरी आपकी बनी है फर्स्ट ईयर की, आपको मिलेगा बाई हैंड 21,000 रुपया, और 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका क्रॉप फंड में रख लेगी। जो आपका 9,000 कटेगा उसी के साथ गवर्नमेंट भी वो 9,000 अपने से देगी, आपका 18,000 जुड़ गया एक मंथ का। जैसे ही आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनी में काम करो TADA लगता है, जैसे आपका दूसरा साल लगेगा सर्विस में आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000। जैसे आपकी 33,000 सैलरी हो जाएगी तो आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 रुपीज़, तो 9,090 आपके जो है अकाउंट से कटेंगे, 9,900 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। वही सरकार भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, ये आपका टोटल कर आपका ये सेविंग हो रही है। उसके बाद आपकी तीसरे साल भी सैलरी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 36,500, और जो आपको बाय हाथ मिलेगी 25,580 रुपये, और आपका जो CF कटेगा वो कटेगा 10,950 रुपये, और यही सरकार आपको देगी साथ में। और जब आपका लास्ट ईयर होगा, अब लास्ट ईयर में आपकी 40,000 सैलरी होगी, 28,000 आपको बाय हैंड मिलेगी, 12,000 आपका कट जाएगा CF फंड में, उसके बाद 12,000 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए जोड़ेगी। अब देखिए, आपका टोटल कुल मिलाकर आपने दिया सरकार को CF में 5,02,000 रुपया, तो सरकार ने भी आपको 5,02,000 रुपया दिया। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं आपको मिलेगा 11,71,000 रुपया, आपको जो है वो रिटायरमेंट की तरफ मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गया और उसको इकट्ठे पैसे मिलेगी, वैसे ही आपको ये इकट्ठे पैसे मिलेंगे 11,71,000 रुपया। अब कुछ युवा जो इन 4 साल के बाद इस
सर्विस में आप रेगुलर भी हो सकते हैं। 25% जो जूत अग्निवीर में काम कर रहा है वो कंटिन्यू भी होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज के तहत आपको रिक्रूट करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं आपको बता दूँ, देशभक्ति के साथ साथ आपको बेनिफिट्स इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 4 साल की सर्विस होगी, ठीक है। उसके बाद कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है बंदे के साथ सर्विस के दौरान, सरकार जैसे 75% बंदे को डिसेबल हो गया, उसको 23.5 लाख रुपया उसको मुआवजा मिलेगा। और इसका बेनिफिट क्या है, आप 4 साल की सर्विस कर रहे हैं उसमें आप आर्मी भी पास कर सकते हैं, सर्विस के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको स्किल्ड सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो आर्मी का बजट है वो कैसे बनता है। सर देखिए कि आर्मी में हर साल 60,000 से ज़्यादा लोग रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड का खर्चा पहले होता था 18%। जैसे कोई रिटायर्ड हो रहा था तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ जाता था 18%, अब 28% हो गया हुआ है। वो जो सरकार का जो बजट है वो पेंशन के ऊपर जाता है 34%, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए 9%, सरकार की जो आर्मी की मेंटेनेंस होती है वो 7%, और अदर जो खर्चे हैं वो 10%, ठीक है। अब सैलरी में तो 42% जो है आर्मी का पैसा यूज हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है अग्निवीर को लाकर, जो देशभक्ति दिखाना चाहते हैं वो अग्निवीर में आ जाएंगे और सरकार का भी इससे बड़ा अच्छा जो देश की सिक्योरिटी का मसला है वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगा।